मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बॉयलर ड्रम के बारे में बात करेंगे और स्टीम सेपरेशन के बारे में बात करेंगे। बॉयलर ड्रम का क्या क्या फंक्शन होता है मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बॉयलर ड्रम वाटर को स्टोर करने के काम आता है या फिर बॉयलर ड्रम में बॉइलिंग होती है, वहां वाटर बॉयल होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉयलर ड्रम के फंक्शन कुछ और हैं। बॉयलर ड्रम के बारे में अच्छे से हम बात करने वाले हैं और बॉयलर ड्रम में किस तरह स्टीम को सेपरेट किया जाता है, यानी कि वाटर और स्टीम के मिक्सचर में से किस तरह स्टीम को सेपरेट किया जाता है एक बॉयलर ड्रम में, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे आप AFBC बॉयलर देख लीजिए, PF बॉयलर देख लीजिए या CFBC बॉयलर देख लीजिए, अगर इन बॉयलर का ऑपरेटिंग प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से कम है तो इन बॉयलर में एक ड्रम जरूर मौजूद होगा। जबकि अगर बॉयलर का ऑपरेटिंग प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा रहता है तो उस केस में बॉयलर में ड्रम प्रेजेंट नहीं रहता। ज्यादातर सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो रहते हैं उनमें ड्रम प्रेजेंट नहीं रहता। अगर हम एकदम आसान भाषा में बात करें तो क्रिटिकल प्रेशर वह प्रेशर होता है जिस प्रेशर के ऊपर जाने पर सैचुरेटेड वाटर सीधे सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि सुपर क्रिटिकल प्रेशर के नीचे अगर प्रेशर रहता है तो सैचुरेटेड वाटर डायरेक्ट सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वहां पे बॉइलिंग होगी तो वाटर और वेपर का एक मिक्सचर बनेगा और वहां पे लेटेंट हीट भी एक्सचेंज होगी। क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल प्रेशर से हाई प्रेशर में जो बॉयलर वर्क करते हैं उन बॉयलर में लेटेंट हीट का इंट्रैक्शन जीरो होता है। जो बॉयलर का प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से कम रहता है उन बॉयलर में आपको लेटेंट हीट और सेंसेबल हीट दोनों ही देखने को मिलेगी। तो बॉयलर के ऑपरेटिंग प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉयलर में ड्रम प्रेजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। चाहे AFBC बॉयलर हो, CFBC हो या PF हो, अगर ऑपरेटिंग प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से कम है तो वहां पे ड्रम प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर और स्टीम पे एक मिक्सचर बनेगा जिसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा सुपर हीटर और टर्बाइन में भेजने से पहले। जबकि बॉयलर का ऑपरेटिंग प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होता है तो वहां पे सैचुरेटेड वाटर सीधे सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्टीम हम सीधे सुपर हीटर और टर्बाइन में भेज सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बॉयलर का ऑपरेटिंग प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बॉयलर में ड्रम प्रेजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ड्रम के क्या फंक्शन होते हैं उस बारे में हम बात करते हैं। ड्रम का सबसे पहला और सबसे मेजर फंक्शन होता है स्टीम को सेपरेट करना। जैसा कि हम जानते हैं बॉयलर में जब बॉयलिंग होती है तब वाटर और वेपर का एक मिक्सचर बनता है। ड्रम का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है कि वाटर और स्टीम के इस मिक्सचर से स्टीम को सेपरेट करना, सैचुरेटेड स्टीम को अलग करना। यह वाटर और स्टीम का मिक्सचर वाटर वॉल में बनता है क्योंकि फर्नेस में हम कोल जलाते हैं जिससे कि हीट जनरेट होती है और वाटर वॉल में प्रेजेंट वाटर बॉइल होने लगता है और यह वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। फिर वाटर वॉल से वाटर राइजर के थ्रू होके ड्रम में पहुंचता है, जहां पे ड्रम का सबसे पहला काम रहता है वाटर और वेपर के मिक्सचर में से सैचुरेटेड स्टीम को अलग करना। ड्रम के दूसरा फंक्शन के बारे में बात करें तो इकोनोवाइजर से जो फीड वाटर आता है उसको भी मिक्स करने का काम ड्रम ही करता है, यानी कि इकोनोमाइजर से जो फीड वाटर की लाइन्स रहती हैं वह भी ड्रम से आके कनेक्ट होती हैं, यानी कि रिसर्कुलेशन के लिए भी ड्रम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ड्रम का ब्लो डाउन कराना। हम कितना भी वाटर को अच्छे से डीमिनरलाइज कर ले, कितना भी हम वाटर को ट्रीट कर ले, लेकिन वाटर में कुछ सॉल्ट हमेशा प्रेजेंट रहते हैं और बॉयलर ड्रम में जैसे जैसे स्टीम सेपरेट होती जाती है वाटर और वेपर के मिक्सचर से, वैसे वैसे सॉल्ट का मात्रा बॉयलर ड्रम में बढ़ते जाती है। तो बॉयलर ड्रम से ब्लो डाउन पाइप्स भी कनेक्ट रहते हैं, कई तरह के ब्लो डाउन्स होते हैं। इन ब्लो डाउन का मकसद होता है इम्प्यूरिटीज को, वाटर में प्रेजेंट जो इम्प्यूरिटीज जो जम रही हैं ड्रम में, उनको ड्रम से बाहर निकालना। और आखिरी में ड्रम का एक छोटा सा काम यह है कि डोजिंग करने में भी यह मदद करता है, यानी कि हमको अगर कोई केमिकल मिलाना है वाटर में बॉयलर के अंदर तो हम वह ड्रम से कर सकते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ड्रम का। जैसा कि हम जानते हैं सुपर हीटर्स और टर्बाइन में पहुंचने वाली स्टीम बहुत प्योर होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ड्रम का सबसे मेजर फंक्शन यही है कि हाई प्यूरिफाई स्टीम
यानी कि सैचुरेटेड स्टीम लगातार प्रोवाइड करते रहना। अब ये बॉयलर ड्रम किस तरह ये सैचुरेटेड स्टीम हमको देता है उस बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वाटर और स्टीम की डेंसिटी में बहुत फर्क रहता है, वाटर बहुत ज्यादा डेंस है जबकि स्टीम कम डेंस है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होते जाता है, वाटर की डेंसिटी और स्टीम की डेंसिटी बराबर होते जाती है। जैसे कि 84 KSC के प्रेशर में वाटर की डेंसिटी स्टीम से 16 टाइम्स 16 गुना ज्यादा रहती है, जबकि अगर आप प्रेशर को डबल कर देंगे 190 KSC के अबाव अगर प्रेशर रहेगा तब आप देखेंगे कि वाटर की डेंसिटी सिर्फ 3 गुना ज्यादा है स्टीम के। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होते जाता है वाटर की डेंसिटी और स्टीम की डेंसिटी में फर्क कम होते जाता है और क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल पॉइंट में वाटर की डेंसिटी और स्टीम की डेंसिटी बराबर हो जाती है। इसलिए जो बॉयलर बहुत हाई प्रेशर में वर्क करते हैं क्रिटिकल प्रेशर से उनका जब प्रेशर हल्का सा नीचे रहता है तब उन बॉयलर में स्टीम को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल साबित होता है। इसके लिए कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं, प्योरली मैकेनिकल टेक्निक्स हैं। अब हम स्टीम सेपरेशन के लिए जो कॉमन मेथड्स का यूज किया जाता है उस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मेथड है स्टीम को सेपरेट करना ग्रेविटी की मदद लेकर, यानी कि स्टीम सेपरेशन बाय ग्रेविटी। जैसे कि हम जानते हैं स्टीम की डेंसिटी वाटर से कम रहती है इसलिए स्टीम के बबल्स बनते हैं, वह वाटर की सरफेस को एस्केप करते हैं और ऊपर की तरफ उठते हैं। हाई प्रेशर में जो बॉयलर हाई प्रेशर में वर्क करते हैं वहां पे इस तरह के सेपरेशन मेथड का यूज नहीं किया जाता। लो वेलोसिटी में या लो प्रेशर वाले बॉयलर में इस तरह के सेपरेशन मेथड का यूज किया जाता है। इसमें ड्रम में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं रहते, इसमें ड्रम में प्योर ग्रेविटी के कारण वाटर को स्टीम से सेपरेट किया जाता है। स्टीम अपनी डेंसिटी के कारण ऊपर उठती है और वाटर ग्रेविटी के कारण ड्रम में बॉटम लेवल में रहता है। अब जैसा कि हम जानते हैं अगर आपने चाय बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे चाय उबलते जाती है चाय का लेवल या फिर वाटर का लेवल बर्तन में ऊपर उठते जाता है। स्टीम बॉयलर में भी ऐसा ही होता है, बॉयलर में जैसे जैसे बॉइलिंग बढ़ते जाती है ड्रम में वाटर का लेवल ऊपर उठते जाता है क्योंकि ज्यादा स्टीम के बबल्स जनरेट होते हैं और वो ज्यादा स्टीम के बबल्स सरफेस को एस्केप कंटिन्यू करते रहते हैं। और अगर बहुत ज्यादा तेजी से अगर बॉइलिंग होती है वाटर वॉल्स में तो उस केस में वाटर का लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। तो हम इस तरह के सेपरेशन मेथड का वहां भी यूज नहीं कर सकते जहां पे बॉइलिंग की रेट बहुत तेज है। सस्ते लो ड्यूटी बॉयलर में इस तरह के ड्रम का यूज किया जाता है और नेचुरली यहाँ पे स्टीम वाटर से सेपरेट होती है। अब हम दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, इसमें स्टीम को सेपरेट किया जाता है ग्रेविटी और बैफल्स की मदद से। इस मेथड में बॉयलर के अंदर कुछ बैफल्स लगाए जाते हैं, इन बैफल्स का काम होता है वाटर और स्टीम के मिक्सचर को डायरेक्ट करना। इन बैफल्स से जब वाटर और स्टीम का मिक्सचर टकराता है तब स्टीम सेपरेट हो जाती है, वाटर इन बैफल्स के साथ चिपक जाता है और ग्रेविटी के कारण वह ड्रम में नीचे गिर जाता है जबकि स्टीम अपना पाथ बनाए रखती है और वह ड्रम से सैचुरेटेड स्टीम के रूप में बाहर निकलती है। इस तरह के ड्रम के ऊपर कॉर्ग्यूरेटेड शीट्स और ड्रायर्स भी लगाया जाता है। ये कुछ नहीं, बहुत पतली पतली शीट्स रहती हैं जो कि स्टीम के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है जिससे कि अगर उसमें और वाटर या फिर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वह इस सरफेस के साथ चिपक जाता है। तो इस तरह के ड्रम में कुछ नहीं बैफल्स का यूज होता है जो कि डायरेक्ट करने का काम करते हैं वाटर और स्टीम के मिक्सचर को और इसमें भी ग्रेविटी की मदद से ही वाटर और स्टीम को सेपरेट किया जाता है। थर्ड सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है वह है साइक्लोन सेपरेटर का यूज करना या टर्बो सेपरेटर्स का यूज करना। इसमें सीधे साइक्लोन सेपरेटर या फिर टर्बो सेपरेटर में वाटर और स्टीम के मिक्सचर को भेजा जाता है। साइक्लोन सेपरेटर में टेंजेंशियली साइक्लोन सेपरेटर के अंदर वाटर और स्टीम के मिक्सचर को भेजा जाता है जिससे कि वाटर और स्टीम का मिक्सचर वहां पे साइक्लोन की तरह अंदर में घूमता है जिससे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वह वॉल में चिपक जाते हैं, बाहर की तरफ वॉल में चिपक जाते हैं जबकि स्टीम सेंटर में ही रहती है, कोर की तरफ रहती है और उसे वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। और अगर हम टर्बो सेपरेटर्स के बारे में बात करें तो टर्बो सेपरेटर में कुछ नहीं फैन लगे रहते हैं और यह फैन कंटिन्यू रोटेट करते रहते हैं और इन्हीं की मदद से वाटर और स्टीम को सेपरेट किया जाता है। टर्बो सेपरेटर में जो स्पिनर ब्लेड्स या फिर जो वेन्स लगे रहते हैं या फिर जो फैन लगा रहता है आप बोल सकते हैं, इससे जब
वाटर और स्टीम का मिक्सचर टकराता है, वाटर स्टीम से सेपरेट हो जाता है, वाटर ग्रेविटी के कारण ड्रम में गिर जाता है, स्टीम ऊपर निकल जाती है। जिन ड्रम में साइक्लोन सेपरेटर और टर्बो सेपरेटर लगे रहते हैं, इन ड्रम के ऊपर भी सेकेंडरी सेपरेटर्स का यूज किया जाता है, या कार्ग्यूलेटर शीट्स का यूज किया जाता है, या ड्रायर्स का यूज किया जाता है, कि एंश्योर किया जा सके कि स्टीम जो बॉयलर ड्रम से बाहर निकल रही है वो फुली सैचुरेटेड रहे, हाईली प्योर रहे। बॉयलर ड्रम में बहुत से कनेक्शंस रहते हैं, राइजर ट्यूब्स इसमें आके कनेक्ट रहती है, ईबीडी लाइन, सीबीडी लाइन यानी कि ब्लो डाउन लाइन्स कनेक्ट रहती हैं, सैचुरेटेड स्टीम लाइन कनेक्ट रहती है, डाउन कमर्स कनेक्ट रहते हैं, बहुत से कनेक्शन बॉयलर ड्रम के साथ रहते हैं, केमिकल डोजिंग लाइन्स रहती हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट भी लगे रहते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर लगा रहता है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं। इन सब के बारे में भी आगे चल के अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि बॉयलर ड्रम क्या होता है और बॉयलर ड्रम में किस तरह स्टीम को सेपरेट किया जाता है वाटर और स्टीम के मिक्सचर से। कॉन्सेप्ट एकदम ईजी है और इस तरह की बातें अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपसे कोई भी नहीं करने वाला, इस तरह का कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है भाई लोग, कोई भी आपको नहीं बताने वाला है ये सब चीज़ें। अगर आप प्लांट में भी जाएंगे तो बहुत कम लोग मिलते हैं ये सब चीज़ बताने वाले। मुझे उम्मीद है कि भाई लोग आप लोगों को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो लाइक करके बिल्कुल मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि चीज़ों के बारे में सभी को पता चले, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई लोग, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान, जय किसान।